बन रही है। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो वैसे अभी ना मैं मतलब सो के आई हूँ, कितना बज गया है, 3:30 बज गया है, तो मैं ना सो गई थी थोड़ा सा। और अभी आई मैं कपड़े लेने के लिए, कपड़े ले जाती हूँ, काफ़ी रोज कपड़े डाले, सुबह डाल दिए थे मैंने, तो कपड़े लगभग सूख ही गए होंगे, तो सोचा चलो ले लेती हूँ। और कॉल उठ गया, मुझे लग रहा रोने लगा, वो उठ जाता था रोने लग जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कपड़े डाली हुई हूँ मैं, तो ले जाती हूँ। कुछ प्रेस के लिए भी जाएंगे और कुछ जो कि फोल्ड करके रख दूँगी। थकान थकान से हो रही है, पता नहीं कैसे सो के उठी या तो इसलिए हो रही है, धूप आ रही है मुँह पर देखा भी नहीं जा रहा है। और अपना मौसम बहुत बहुत अच्छे होने लगे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अपना काफ़ी अच्छा मतलब मौसम भी होने लगा है। और यहाँ से ना मतलब सब कुछ दिखता रोड तक का दिखेगा, ये देखिए तो गाड़ी भी चलती हुई आपको दिख रही होंगी, और यहाँ से मतलब सब कुछ दिख जाता है, इनका ऑफिस भी यहीं से दिखता है घर से। तो बस अभी सोच रही हूँ कपड़े ले जाऊँ, और यहाँ पर मतलब काम चल रहा है, खटर फटर आवाज़ आती रहती है, इधर भी चल रहा है, नीचे जो फैक्ट्री है उसमें भी कुछ चल रहा है, तो 2-3 जगह ऐसे करके काम चल रहा है, तो इसीलिए ना आवाज़ आती रहती है। तो चलिए कपड़ा ले लेती हूँ फटाफट, और फिर नीचे चल के मिलती हूँ आपसे। धूप लग रही थी, देखा नहीं जा रहा था उधर, कितने ज़्यादा कपड़े, बहुत कपड़े हैं, बाल्टी भी है मेरे साथ हाथ में, तो सारे कपड़े लेके नीचे जाने को भी गिर ना जाऊँ। तो चलिए फ्रेंड मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे आने के बाद ना मैं कपड़े ही रखने के लिए लग गई थी, मतलब कि ये रख जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ना फिर बाद में दूसरा काम करने लगी तो फिर इनको भूल जाऊँगी, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना साथ के साथ ही रख देती हूँ। और कई बार तो ऐसे हो ही जाता है कि चलो बाद में रख लेंगे, तो बस अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और कुछ प्रेस के कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस के लिए भेजने, और बाकी के मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और देखिए ना बच्चे बैट पर खेल रहे थे, और यहाँ पर बैट वगैरह वो मतलब खेलते रहते हैं ना, तो इधर से उधर कर देते हैं बच्चे, कितना भी मैं संभाल संभाल के रख लूँ। तो बस अभी ये देखिए कपड़े फोल्ड हो गए, और बाकी के प्रेस के लिए चले ही जाएंगे। तो अभी मेरे को किचन में जाना है, किचन में थोड़ा सा काम है, मतलब काम क्या है, वो आटा रखा हुआ, मैं सुबह पूड़ी बनाई थी, तो ये ब्लॉग ना 9वें वाले दिन का है, तो फिर मैं सोची कि चलो मैं पूड़ी जो आटा बच रहा थोड़ा सा उसकी पूड़ी ही बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो बस अभी मैं उनकी पूड़ी बना दूँगी जाके। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर ना साड़ी को फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ी होती है ना, तो फिर टाइम तो लगेगा ही उसमें। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया है, और अभी थोड़ा सा ना बाहर भी जाना, जो भी सामान लेके आऊँगी देखूँ क्या क्या लेके आऊँगी। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ब्लॉगिंग करने में तो अच्छा लगता है, बट ना कि इतना ज़्यादा एक वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा मूड डिस्टर्ब होता है ना बहुत ज़्यादा, कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी वो किस लिए। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस कपड़े मैंने रख दिए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जो रहेगा मतलब दिया है तो इसको मैं क्या करूँ कि वो कर दूँ, मतलब वो ये सिलवाना है, और दूसरा ना कि मतलब वो करना है इसका ब्लाउज भी सिलवाना है, तो ये मैंने करवा के उसके लिए लिया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मतलब बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और देखने में भी अच्छा है, और एकदम लाइट वेट है। तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ में लहंगा पहनती हूँ करवा चौथ में, उनकी साड़ी वाड़ी तो चलो पहनते ही रहते हैं। और चलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, और कढ़ाई में मतलब पैन में तेल भी है, फिर सुबह मैं पूड़ी बनाई थी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये 3-4 पूड़ी बनेंगी, तो मैं पूड़ी ही बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, और उसके बाद किचन वगैरह साफ करूँगी। तो चलिए पहले मैं पूड़ी बना लेती हूँ, और कपड़े रख दिए मैंने अभी ना, ये जैसे आपके मतलब प्रेस के लिए रख दिए, और बाकी कपड़े जो मेरी साड़ी है इसमें सोच रही हूँ पीको वो फॉल लगवाना है, और जीन जो मैंने पहनी है ना इसमें भी फॉल लगवाना है, इसमें भी मैं फॉल नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो मुझे तो लगता है कि पहले पहन लूँ मैं, जो फॉल पीको लगेगी लगती रहेगी। तो कई बार मेरे साथ ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि मतलब जब मैं कहीं जाती हूँ तो फॉल पीको जब तक नहीं लगेगा जब तक नहीं पहनूंगी, ऐसे लेती हूँ ना कि चलो भाई मैं इनको घर में पहनूंगी, तो फिर वो तो मैं पहन लेती हूँ, कि घर में तो पहनना वैसे भी कहीं नहीं जा रही,
तो इस तरीके से मैंने अभी इस पर भी नहीं लगवाई है ना उस पर, तो दोनों पर सोच रही हूँ फॉल लगवा लूँ। बगैर फॉल के ना साड़ी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बेकार लगती है। तो चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ, पहले पूड़ी बनाती हूँ और चलिए आप सबको भी खिलाती हूँ गर्मा गर्म पूड़ी। तो ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा आटा है और कुछ पूड़ी मैं बना लेती, फिर मैं सोच रही हूँ अभी बना लेती हूँ और फिर तभी किचन साफ़ कर लूँ, नहीं तो फिर बाद में फिर से वो चिकनी चिकनी सी हो जाएगी। तो इसीलिए पहले मैं जितने भी पूड़ी बनती है इसकी बना देती हूँ लोहिया काट के, और उसके बाद मुझे मार्केट जाना है। हाँ, मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आना है और जो भी लेके आऊँगी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। देखते हैं क्या मैं लेके आऊँगी। तो पाँच पूड़ी बनाएंगी कि आ जाए सभी लोग खाते हैं मिलके। सब्जी बनाई थी मैं, किसकी बनाई थी? आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। ये देखिए भैया लहसुन प्याज की सब्जी, वो दावत वाली में बनती है बिल्कुल वैसे थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बनी थी, ऐसा लग रहा है कभी गिर ना जाए सब्जी मेरी। सच मैंने जब ब्लॉगिंग करने में मज़ा आया ना, वो कितनी भी टिप्स डाल लो चाहे कितने भी कुछ भी डाल लो, लेकिन ब्लॉग की तो बात अलग ही होती है कि नहीं? तो मैं भी बीच बीच में कभी टिप्स डालूंगी फिर डालूंगी, और सोच रही थी ब्लॉगिंग भी करूँ क्योंकि आप सब लोग बोलते हो मुझे ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग अच्छी रहेगी। लेकिन तो थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, अभी गर्म नहीं हुआ। देख लो पूरी पूरा फूली फूली बन रही है। अभी दो और दोनों को और सेक लो। अभी सुबह का आटा लगा हुआ फिर भी अभी तक पूरी फूली हो रही है। मुझे ये सब्जी भी लेने के लिए ठंडी हो जाएंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अभी मेरा काम वगैरह सब हो गया है, पूरा घर साफ कर दिया है। तो अभी बस मैं मतलब सूट पहन लिया साड़ी से ना, वो अजीब अजीब सा लग रहा था। अगर बाहर जाऊंगी तो फिर साड़ी में मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, और साड़ी मैंने मतलब चला भी नहीं जाता जल्दी जल्दी, तो इसलिए ना मैंने सूट पहन लिया। अभी मैं आने वाला उसका टाइम हो गया ट्यूशन का, फिर उसके बाद जा रही हूँ मैं मार्केट और थोड़ा बहुत घूम के आएँगे, पार्क वगैरह जाएँगे और कुछ सामान लेना वो लेके आएँगे। और ये सूट मैंने बहुत दिन में पहना, बहुत ज़्यादा पुराना सूट, मतलब पुराना तो नहीं पहना था मैंने ये दो बार भी नहीं, लेकिन पर हाँ एक साल से ज़्यादा हो गए इस सूट को, और मैं पहनती हूँ मुझे कम अच्छा लगता है। तो सूट ही एक ऑरेंज के साथ का ग्रे से कलर का, इसको भी नहीं पहनती हूँ, बहुत मतलब अजीब अजीब सा लगता है इनको पहन के, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। पानी पी के आई हूँ अभी, तो चलिए और जहाँ भी चलूँगी आप सभी को ले कर चलूँगी। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को